हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 17 का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि एंगुलर 17 में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कौन कौन से फाइल फोल्डर का क्या मतलब है और आज जो वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि पैकेज डॉजेशन फाइल और पैकेज लॉक डॉटेशन फाइल का क्या रोल है हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ये बोला था कि हम अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे पिछले वीडियो में ही हमें यह बताना था लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता लंबा हो जाता इसलिए मैंने सोचा कि इसको सेपरेट आपको दे दूँ ठीक है क्योंकि ये पैकेज डॉटेशन और पैकेज लॉक डॉटेशन फाइल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं फॉर प्रोजेक्ट ये पैकेज के रेफरेंस रखते हैं कैसे रखते हैं क्या मतलब इसको बहुत ही हम डिटेल्स में देखने वाले इस वीडियो में बिना स्किप किए अच्छे से समझिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेज डॉट जैसन फाइल का क्या काम देखिए पैकेज डॉट जैसन फाइल अभी हम एस कोड ओपन करेंगे तो हम आप आपको अच्छे कि ये एक मैंडेटरी फाइल होता है एन पी एम प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि ये पैकेजेज के रेफरेंस को मेनटेन करके रखता है और इसको मेंटेन कौन करता है एन पी एम नोट पैकेज मैनेजर अभी हम इस फाइल को जो ओपन करके दिखाएंगे और उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे इसके साथ ही हम पैकेज लॉक जोशन फाइल के बारे में भी समझेंगे ये भी ऑटो जेनेटेड फाइल होता है एन पी एम इसको भी क्रिएट करता है और इसके अंदर डिपेंडेंसीज के और उसके का डिटेल्स रखता है तो चलिए देखते हैं ले चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से समझ तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था और इसके अंदर के सारे फाइल फोल्डर के बारे में समझाया था ठीक है तो आज हम देखने वाले इन दो फाइल के बारे में पैकेजेशन फाइल इसको ओपन कर लेता हूँ और पैकेज लॉक डॉजेशन फाइल ठीक है देखिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एन जो है नोट पैकेज मैनेजर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेजेज को इंस्टॉल कर देता है फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये पैकेज जो होते हैं प्रोजेक्ट लेवल के होते हैं प्रोजेक्ट आपका अच्छे तरीके से काम करे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अच्छे से उसके लिए बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल करता है और सबका फोल्डर नोड मॉड्यूल के अंदर रखता है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था नोड मॉड्यूल एक कंटेनर होता है जो इंस्टॉल पैकेजेस के सारे फोल्डर को रखता है ये सारे पैकेज आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं ठीक है अभी आज के वीडियो में थर्ड पार्टी कोई पैकेज इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा तो देखिएगा उसका भी फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा ठीक है तो अब रही बात कि इन सारे फोल्डर का रेफरेंस कहाँ पर होगा ठीक है इन सारे पैकेजेज का रेफरेंस पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल के अंदर मिलेगा आपको ठीक है जब भी एनपीएम किसी पैकेज को इंस्टॉल करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो उन सबका रेफरेंस पैकेज लॉक और पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर रखता है ठीक है ये आ, हमने दूसरा फाइल ओपन कर दिया है पैकेज और जश फाइल इसकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है इसके अंदर रखता है ठीक है तो इसके अंदर किस तरीके से मेंटेन करता है इसको समझते हैं देखिए नोट मॉड्यूल के अंदर सारे फोल्डर को रखता है ये नोट मॉड्यूल बहुत ही हैवी फोल्डर होता है इसको आप डिलीट भी कर दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एन इंस्टॉल तो फिर से ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और नोट मॉड्यूल का फोल्डर फिर से बन जाएगा सारे फोल्डर फिर से बन जाएंगे तो ये रेफरेंस कहाँ से लेगा इन्हीं दोनों फाइल से लेगा पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल से तो एक एक करके दोनों फाइल के बारे में समझते हैं देखिए पैकेज डॉट जेसन फाइल को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन का नेम एप्लीकेशन का वर्जन कुछ स्क्रिप्ट दिए हुए हैं कि स्टार्ट करने के लिए सब लिखते हैं बिल करने के बिल टेस्ट करने के टेस्ट ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उसके नीचे जैसे ही आप आते हैं दो सेक्शन बनाओ दो मेटा डेटा बोल सकते हैं सेक्शन बोल सकते हैं एक डिपेंडेंसीज और एक डेव डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज के अंदर आप देखते हैं कुछ पैकेजेज और उसके वर्जन लिखे हुए हैं देखिए ये पैकेज ये पैकेज ये पैकेज है उसका रेफरेंस उसका वर्जन उसका वर्जन ठीक है और एक डिप डिपेंडेंसीज है इसके अंदर भी कुछ पैकेजेज हैं और रेफरेंसेज हैं तो ये अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया इसका भी क्वेश्चन बनता है देखिए ये जो पैकेजेज हैं ये रिक्वायर्ड है आपके एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए चाहे वो आपका लोकल सर मशीन हो चाहे सर्वर पर इन सारे पैकेजेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से काम करने के लिए रन करने के लिए और वर्क करने के लिए ठीक है और ये डीप डिपेंडेंसी मतलब डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते टाइम इन सारे पैकेजेस की जरूरत होगी तभी आप अच्छे से इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे ठीक है देखिए इसीलिए इसके अंदर देखिए कर्मा ये जो लिखा लिखे हो कर्मा जैसमिन ये सारे टेस्टिंग के पैकेज हैं डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत होती है और अप्लाई पर लाइव और या फिर रन कराने की इसकी तो जरूरत कोई है नहीं ठीक है तो यहाँ पर नहीं रखा हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है तो ये सजे जैसे चाहे वो सी एल आई हो चाहे कंपाइलर सी एल आई हो ये सारे बिल्ड एंगुलर हो ये सारे डेवलपमेंट के टाइम इसकी ज़रूरत होती है तो इसलिए डेवलपमेंट सेक्शन में रखा हुआ है ठीक है तो ये तो दोनों चीज़ में डिफरेंस क्लियर हो गया दूसरा चीज़ कि अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो इतने ही सारे पैकेजेज के नेम और उसके वर्जनस हैं और नोट मॉड्यूल में आपने बताया कि फोल्डर है बहुत सारे फोल्डर है, तो का का है? तो है।, है। तो इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे देखिए बहुत सारे पैकेजेज और उसके डिपेंडेंसीज उसके वर्जन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुके हैं ठीक है अगर आप सर्च करना चाहते हैं देखिए होता क्या है यहाँ पर मेन मेन पैकेजेज का नेम है जैसे सीएलआई हो गया ठीक है तो देखिए वो जब आप सीएलआई इंस्टॉल हो रहा होगा ये मेन पैकेज हो गया तो अगर सीएलआई इंस्टॉल हो रहा होगा तो सीएलआई को अच्छे से काम करने के लिए भी कुछ पैकेजेज की जो सपोज ज़रूरत है तो वो पैकेज भी इंस्टॉल हुआ होगा उन सारे पैकेजेज का भी कोई डिपेंडेंसी है तो वो डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हुआ होगा और उन सबका रेफरेंसिस के अंदर मिलेगा लॉक के अंदर जो इंस्टॉल हो चुके हैं जैसे मान लीजिए सीएलआई को मैं कॉपी करके और यहाँ पर फाइंड करता हूँ देखिए कितने जगह मिल रहा है 109 मतलब कि इसके डिपेंडेंसीज भी यहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं देखिए जैसे सिरा इंस्टॉल हुआ तो इसका डिपेंडेंसीज पैकेजेज ये सब हैं ठीक है ये सभी इंस्टॉल हो गए तो इन सबका भी फोल्डर उधर बना और इसका सबका रेफरेंस यहाँ पर है अगर मान लीजिए अब इस सपोज करे इस पैकेज का भी कोई डिपेंडेंसीज है तो सर्च करेगा तो ये भी नीचे कहीं मिलेगा इसके भी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगे तब एक पैकेज का डिपेंडेंसी उस डिपेंडेंसीज का डिपेंडेंसी जितने भी अच्छे से वर्क करने के जितने भी डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी सारे इंस्टॉल होते हैं और सबका रेफरेंस लॉक के अंदर मिल जाएगा आपको और उसका नोट मॉड्यूल के अंदर फोल्डर मिल जाएगा जैसे मैं आप लोग को एक दूसरा पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा कि कहाँ पर फोल्डर बनता है कैसे बनता है जैसे मान लीजिए कि हम एक थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं बूटेस्ट ठीक है एन पी इंस्टॉल बूटेस्ट ऐप इंटरहीट करता हूँ देखिएगा नोड मॉड्यूल के अंदर कोई बूट एस्टेप नाम का फोल्डर नहीं है ठीक है लेकिन देखिएगा जैसे इंस्टॉल होगा तो बूट स्टैप का फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पर देखिए बूटे स्टैप का एक लिंक भी जनरेट होगा पहले से नहीं था अभी बन गया और इसके अंदर आप जाएंगे ठीक है इसको रिफ्रेश कर देते हैं और इसके अंदर आप जाएंगे तो बूट स्टैप का एक फोल्डर बन चुका होगा बी में आप आइए बी के अंदर बूट स्टैप देखिए बन गया ठीक है तो ये रेफरेंस एड कर दिया अब मैं जैसे बोल रहा था कि इस फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट करके बोल दीजिए कि आ, डिलीट करिए और डिलीट करने के बाद और उसके बाद यहाँ पे एन इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करिए तो उसका सबका रेफरेंस आपका इसी यहीं से उठाएगा क्योंकि यहाँ रेफरेंस ऐड हो गया है अगर आप इसको डिलीट कर भी देंगे बुटेस्ट इसके अंदर फोल्डर डिलीट भी हो जाएगा या कोई पैकेज उसका रेफरेंस यहाँ पर है यहाँ से उठाएगा फिर से इंस्टॉल कर देगा जैसे अब जैसे इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा तो यहाँ से देखिए यह ये भी हट जाएगा और यहाँ से फोल्डर भी गायब हो जाएगा जैसे मैं लिखता हूँ अन इंस्टॉल सॉरी यहाँ पर npm पी bootstrap और जैसे इंटर हिट करूँगा देखिएगा कि ये लाइन हट जाएगा यहाँ से तुरंत देखिएगा और यहाँ से बूट का फोल्डर भी चला गया चला गया फोल्डर तो ये होता है एनपीएम का काम npm कर रहा है और इन दोनों पैकेज और जैसन फाइल और नोट मॉडल को मेंटेन करके कर रख रहा है अब अगला चीज समझिए कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं एक कैरेट का साइन लगा हुआ है ठीक है और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा नीचे टिल्ड का साइन देखिए टिल्ड का साइन तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देखिए एक्सपीरियंस लेवल पर आपसे पूछा जा सकता है इसलिए बताना मेरा फर्ज इसको बताता हूँ अच्छे समझिए देखिए जब मैं जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर एन इंस्टॉल करेंगे तो इन सारे पैकेजेज को इंस्टॉल कर देगा नोटमोट का फोल्डर बना देगा ठीक है तो ये सारे पैकेजेज इसको कहाँ से मिलेंगे इंटरनेट से मिलेंगे ठीक है ये सब एक्टिविटी करते टाइम आपके लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए तभी ये सारे काम करेंगे ठीक है तो इसलिए ये सब करते टाइम इंटरनेट इनेबल रहेगा और जब इसको इंस्टॉल करने आएगा तो जहाँ पर कैरेट लगा होगा तो ये चेक करेगा कि इसके लास्ट के दो डिजिट में कोई चेंज है कि इसके हायर वर्जन का कोई अवेलेबल है क्या जैसे मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि ये माइनर होता है और ये पैच होता है ठीक है तो माइनर और पैच के वर्जन में मतलब जैसे 17.1.0 या इस तरीके इन दोनों डिजिट में हायर इससे हायर वर्जन का कोई पैकेज अवेलेबल है एनिमेशन का तो उसको इंस्टॉल कर देगा अगर टिल लगा, लगा हुआ है जहाँ पर लगा हुआ है तब क्यों लास्ट डिजिट को चेक करेगा लास्ट वर् डिजिट में कोई हायर वर्जन का अवेलेबल है क्या तो उसको इंस्टॉल कर देगा अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं तो एग्जैक्ट यही रहेगा तभी इंस्टॉल करेगा तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए कैरेट और टिल लगा कर रखा जाता है एंगुलर रखता है ताकि इससे कुछ हायर वर्जन का भी कुछ आया हो नए फीचर आया हो या स्मॉलर फीचर या फिर कोई बग फिक्स हुआ तो उसको इंस्टॉल कर दे या एन इंस्टॉल चलाइए या फिर एन अपडेट चलाइएगा तो ये सारे पैकेज अपडेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेट एंड टिल साइन ठीक है तो ये सारे चीज़ें आपके माइंड में होने चाहिए तभी आप इस चीज़ों को अच्छे से यूज कर पाएंगे जब मैं आगे आप लोगों को एडवांस चीज़ें पढ़ाऊँगा देखिएगा बहुत सारे पैकेजेज हमें इंस्टॉल करेंगे उन सबका रेफरेंस यहाँ पर ऐड होगा वो इन दोनों फाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वहाँ ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए हम आपके कमेंट का करेंग रिप्लाई करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों को दोस्तों के साथ और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक रहे थैंक यू सो मच